नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए। हाँ, हम लोग देख रहे थे कि शेड्यूलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और ये थ्री टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिडिल टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसको भी हम लोग देखेंगे और तीनों में कंपेयर करके भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है? शेड्यूलर तो एक सॉफ्टवेयर होता है, शेड्यूलिंग क्या है एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो शेड्यूलिंग एक प्रक्रिया है, एक वे है जिसके द्वारा शेड्यूलर जो है ना किसी भी प्रोग्राम को सिलेक्ट करता है सीपीयू पे एक्सक्यूशन के लिए। तो किस वे से सिलेक्ट करेंगे वो कौन करता है? शेड्यूलर। जिस प्रक्रिया से उसको सेलेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं शेड्यूलिंग, और इसको सेलेक्ट करने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं उसको बोलते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जिसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो जाएगा आपका, उसके बाद में एसजेएफ शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, उसके बाद में प्रायोरिटी हो जाएगा, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग हो जाएगा। तो ये सारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम लोग पढ़ेंगे और इसी के आधार पे आपके प्रश्न बनते हैं न्यूमेरिकल, जिसमें वेटिंग टाइम निकालना होता है, टर्न अराउंड टाइम निकालना होता है, तो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, एक्सप्लेन FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है? सिद्धार्थ अपना माइक ऑफ करो, अगर बोलना है तो बोलो। चलो हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड स्वेपिंग। स्वेपिंग क्या होता है और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। फिर कह रहा है कि प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है। तो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में इतना ही अंतर है कि अगर नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है तो उसमें अगर आपका प्रोसेस एक्सिक्यूशन में है तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं फोर्सफुली जब तक वो अपना एक्सिक्यूशन कंप्लीट ना कर ले। अपना एक्सिक्यूशन कंप्लीट करके तभी वो बाहर निकलेगा, यानी कि सीपीयू को रिलीज करेगा, आप उसको नहीं रिमूव कर सकते हैं। लेकिन प्रीएम्प्टिव में आप रिमूव कर सकते हैं विथ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। और इसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम क्या होता है और रिस्पांस टाइम क्या होता है, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाएगा कि आपके पास जो है ना प्रोसेस 5 हुए हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको प्रोसेस मिलेंगे, P1 P2 P3 P4 P5 के रूप में मिल सकते हैं। उसका अराइवल टाइम जो है ना, अराइवल टाइम इस प्रकार से दिया रहेगा, एक्सक्यूशन टाइम, बस टाइम को एक्सक्यूशन टाइम कहा जाता है, ये भी दिया रहेगा, प्रायोरिटी भी दिया रहेगा। तो इसके बेसिस पे आपको जो है ना टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम फाइंड करना है। मेथड क्या होगा आपका? FCFS हो सकता है, FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या फिर SRTF होता है, इसके आधार पे आप निकाल सकते हैं वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए प्रोसेस P1 P2 P3 P4 P5 दिए गए हैं और वर्स्ट टाइम दिया गया है, प्रायोरिटी दिया गया है। इसके आधार पर जो है ना आपको गैंट चार्ट जो है ना ड्रॉ करना है और FCFS से, SJF से और राउंड रोबिन से जो है ना, तीनों से जो है ना आपको इसमें वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम जो है ना आपको कैलकुलेट करना है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा जो हम लोग देखेंगे। तो ये टोटल क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है जिसको हम कवर किए हैं और इसका सोल्यूशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये आपका जो है ना क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग का जो है ना यूनिट 2 का लिमिटेशन इतना ही है कि हम लोग को इतना ही करना है, कुछ थ्योरी है और 2 क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन लगभग में पूछे गए हैं और ये भी जो दोनों क्वेश्चन हम लिए हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर इस 2 क्वेश्चन को हम लेते हैं तो FCFS SRTF हो जा रहा है आपका, फिर FCFS SJF और राउंड रॉबिन सब आ रहा है। तो सारे कॉन्सेप्ट जो है ना आपका इसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले इन सभी का थ्योरी पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं TAT एंड WT वेटिंग टाइम, और उसके बाद हम लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहला है हम लोग का प्रोसेस। तो प्रोसेस सिंपल में समझें कि प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो एक्सक्यूशन में होता है। जैसे कि आप उतना ही का डिफरेंस समझ सकते हैं कि जैसे कि एक मैन है और दूसरा क्या है, सर्विस मैन है। तो सर्विस मैन को क्या बोलता है कि वो नौकरी कर रहा है। तो सर्विस मैन क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करता है और मैन सिंपली अपना अपना काम करता है। तो अगर प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम का कोडिंग लिखते हैं और वो यहाँ पे रखे हुए हैं मेमोरी में, तो क्या है, हमारा प्रोग्राम है। और जब ये जो है प्रोग्राम
आपके सीपीयू पे एक्सिक्यूट करने लगेगा, यानी कि इस पे रन कर रहा है, जिस समय में रन कर रहा है उस समय में इसी प्रोग्राम को आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो प्रोग्राम जब रनिंग में हो तो उसको कहेंगे प्रोसेस। डिफाइन कैसे करेंगे, तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा ए प्रोसेस इज इन, प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एक्सक्यूशन। मतलब प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम एक्सक्यूशन में जो होता है उसी को प्रोसेस बोलते हैं। दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं ए रनिंग प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेस। अगर प्रोग्राम रनिंग में है तो उसको कहेंगे प्रोसेस है। अब जो प्रोसेस होता है, देखिए प्रोग्राम और प्रोसेस में कितना का डिफरेंस हो गया, प्रोग्राम और प्रोसेस। तो प्रोग्राम क्या है, मेमोरी में है, प्रोसेस क्या है, सीपीयू पर है, ये एक्सक्यूशन कर रहा है, सीपीयू पे क्या हो रहा है, एक्सक्यूट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्टिव एंटिटी हो गया, क्योंकि एक्सक्यूशन में है, एक्सक्यूट कर रहा है। और प्रोग्राम क्या हो गया, हमारा पैसिव एंटिटी हो गया, क्योंकि ये एक्सक्यूशन में नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना, प्रोसेस जो होता है ना आपका एक्टिव एंटिटी होता है, जबकि प्रोग्राम जो होता है ना आपका पैसिव एंटिटी होता है। और प्रोग्राम ही प्रोसेस नहीं है, प्रोग्राम ही प्रोसेस नहीं है, क्योंकि एक्सक्यूशन जाता है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि इसको कब कितना देर तक एक्सक्यूट करना है, कैसे एक्सक्यूट करना है और क्या इसमें करना है, मतलब कोई ऑपरेशन भी करना है। तो उस कोडिंग के साथ कुछ एक्स्ट्रा कोडिंग जुड़ जाते हैं जो हमारे लाइब्रेरी फंक्शन से आ जाते हैं। जैसे हम लोग सी प्रोग्राम एक्सक्यूट करते हैं तो हैश इनक्लूड को stdio.h हैश इनक्लूड को डॉट डालते हैं, तो उसके थ्रू जो है ना कुछ लाइब्रेरी फंक्शन इंस्ट्रक्शन जो है ना हमारे प्रोग्राम में एड हो जाते हैं और वही रन करवाते हैं। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि प्रोसेस इज नॉट एज सेम एज प्रोग्राम कोड बट ए लॉट मोर देन इट, यानी कि प्रोग्राम में कुछ एक्स्ट्रा भी जुड़ जाता है प्रोसेस जब वो बनता है। तो ये फोर पॉइंट है सिंपल में, मैं फिर से बोल देते हैं, प्रोग्राम इन एक्सक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, इन अदर वर्ड्स रनिंग प्रोग्राम इज नोन एज प्रोसेस। प्रोग्राम सिर्फ प्रोसेस का पार्ट नहीं है, बल्कि प्रोसेस में प्रोग्राम से ज्यादा कोडिंग होता है, कुछ ऑटोमेटिकली जो हमारा लाइब्रेरी फंक्शन उसमें इंस्ट्रक्शन ऐड कर देता है। और प्रोग्राम हमारा पैसिव एंटिटी है, जबकि हमारा प्रोसेस क्या है, एक्टिव एंटिटी है, क्योंकि वो रनिंग में है। ये हो गया प्रोसेस। अब जब प्रोसेस क्या है कि एक्सक्यूशन में है, तो एक्सक्यूशन में जो है ना, एक्सक्यूशन फेज में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से जो है ना वो गुजरता है। जब कोई भी आदमी काम करता है तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से गुजरता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा प्रोसेस जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से गुजरता है। और वो स्टेट इसके फाइव होते हैं। फाइव कौन कौन से स्टेट होते हैं, तो आपका फर्स्ट आपका हो जाता है न्यू, सेकेंड हो जाता है रेडी, थर्ड हो जाता है आपका वेटिंग, तो नहीं होगा हाँ वेटिंग हो जाएगा, वेटिंग वेटिंग नहीं रनिंग हो जाएगा, रनिंग, फोर्थ वेटिंग एंड फिफ्थ हो जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। यानी कि ये फाइव स्टेट। न्यू का मतलब क्या होगा, जैसे कि हम डायग्राम बना देते हैं आपको, न्यू यहाँ हो गया आपका न्यू, यानी कि न्यू मतलब प्रोसेस एंड प्रोग्राम क्या हो गया, आपके मेन मेमोरी में आ गया, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आ गया है। यहाँ से न्यू से क्या होता है, क्रिएट होता है, और क्रिएट होकर जो है ना नेक्स्ट स्टेट में जाता है, जिसको बोलते हैं रेडी। रेडी क्यों इसको कह सकते हैं, एक प्रकार का मेमोरी है, मेन मेमोरी जिसमें हमारा प्रोसेस जो है ना क्रिएट होता है। यहाँ पे कह सकते हैं क्रिएटेड, क्रिएट हुआ कहां से, मेमोरी से क्रिएट हो गया, हमारा रेडी क्यू में आ गया और वो रेडी है, अब तैयार है सीक्यू पे जाने के लिए। रेडी स्टेट में जो भी प्रोग्राम है वो एकदम रेडी है, प्रिपेयर है कि हमें अब सीपीयू मिल जाएगा। अब यहाँ से जो है ना शेड्यूलर जो है ना उसको प्रोवाइड करेगा सीपीयू, देखेगा इसमें रेडी में बहुत सारे प्रोसेस प्रोग्राम आ जाते हैं, तो उसको एक्सक्यूशन किसे प्रोवाइड करना है वो हमारा शेड्यूलर डिसाइड करता है। अगर ये प्रोग्राम यहाँ से हमको भेजना है तो कहाँ जाता है, यहाँ से जाएगा हमारे रनिंग स्टेट में, रनिंग स्टेट में जहाँ पे सीपीयू इसको रन करता है, यहीं पे होता है हमारा सीपीयू जो रन कर रहा प्रोग्राम को। अब यहाँ से या तो रन करने के बाद एक कंप्लीट स्टेट में चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटेड कंप्लीट हो जाएगा, या नहीं
तो इसको कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करना होगा, इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन करना होगा, तो उसके लिए जो है ना ये वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, या फिर कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट मांग रहा, तो रिक्वेस्ट जब तक अप्रूवल नहीं इसको मिलता है तब तक ये क्या करेगा वेटिंग स्टेट में रहेगा। और वेटिंग जब इसका जो है ना आयो रिक्वेस्ट, यहाँ हो जाएगा आपको आयो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कर रहा है और वेटिंग में है, जब ये कंप्लीट होगा रिक्वेस्ट तो फिर कहाँ चल जाएगा ये रेडी क्यू में, यहाँ पे हो जाएगा आपको इनपुट आउटपुट कंप्लीशन कंप्लीशन, तो फिर रेडी में चल जाएगा, और रेडी से फिर कहाँ चल जाएगा आपका रनिंग प्रोसेस में। तो ये फाइव स्टेट देख रहा है आपका, फर्स्ट में है आपका कि मेमोरी में आपका यहाँ पे जो है ना आपका फर्स्ट स्टेट हो गया, यानी मेमोरी में आपका जो है ना प्रोग्राम आ चुका है, यहाँ से ये प्रोग्राम जो है ना क्रिएट होता है, क्रिएट दैट मींस कि ये आ गया रेडी क्यू में और ये रेडी है प्रोसेसिंग के लिए। अब यहाँ से जो है ना सीपीयू शेड्यूलर हमारा जो है ना इसको सेलेक्ट किया और डाल दिया कहाँ पे रनिंग में, तो यहाँ से प्रोग्राम रन किया और रन करने के तीसरा स्टेज का रन किया और रन करने पर क्या हो गया कंप्लीट हो गया, फाइनल हो गया, बाहर हो गया। तो ये प्रोसेस है, अगर उस प्रोग्राम को ये हमारा हो गया चौथा स्टेज हो जाता है या फाइनल स्टेज कर सकते हैं फाइव, अगर इस प्रोग्राम को कुछ रिक्वेस्ट करना है यानी कि कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है तो वो क्या करेगा वेटिंग क्यू, वेटिंग में चल जाएगा यानी कि जॉब क्यू में चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये फोर्थ स्टेज, और ये रिक्वेस्ट जैसे ही फाइनल होगा कंप्लीट होगा तो ये कहाँ चल जाएगा फिर से रेडी क्यू में, फिर से सीपीयू पे यहाँ पे जाकर रनिंग करेगा और फिर से कंप्लीटेड में निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस ऐसे हो रहा, यहाँ से ऐसे हुआ, यहाँ से ऐसे हो सकता है और मे भी यहाँ से इसे रन कर जाए, दूसरा ऐसे हो सकता है कि यहाँ से जो है ना रेडी में आए, रेडी से जो है ना आपका रनिंग में जाए और रनिंग में जाने के बाद जो है ना आपका कहाँ चल जाए वेटिंग में, और वेटिंग से फिर से रेडी में और फिर से रनिंग और फिर से कंप्लीट हो जाए। ये प्रक्रिया जो है ना हमारे प्रोसेस का होता है। तो यही इसका जो है ना स्टेट्स है, ये आपका जो है ना स्टेट्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है जिस स्टेट को डिफाइन करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट ऑफ प्रोसेस, ट्रांजिशन स्टेट ऑफ प्रोसेस। अब ये जो आपका डायग्राम है ट्रांजिशन स्टेट, ये होता है नॉन प्रीएम्प्टिव के लिए, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रीएम्प्टिव प्रोसेस के लिए। अब ये नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है, तो नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये हो गया कि जो प्रोसेस इस केस में इस मैकेनिज्म में कोई भी प्रोसेस को अगर सीपीयू मिल गया तो सीपीयू पर जब तक वो अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेगा, एक्सक्यूशन कंप्लीट नहीं करेगा, वो सीपीयू को नहीं छोड़ेगा, सीपीयू को रिलीज नहीं करेगा। जस्ट लाइक आप एग्जांपल में आप इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं आपका वॉशरूम, अगर वॉशरूम में कोई एक आदमी एंट्री करेगा उसका प्रोसेस कंप्लीट ना हो वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो नॉन प्रीएम्प्टिव ये मतलब होगा उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं किसी भी केस में। इसका उल्टा होता है आपका प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव प्रीएम्प्टिव में क्या हो गया कि इसको टाइम फिक्स कर दिए हैं आप, स्विचिंग इसमें होगा, बार बार स्विचिंग होगा कि अगर आपको 5 मिनट सीपीयू को एक्सक्यूट करना है तो 5 मिनट एक्सक्यूट करेंगे और फिर आप आ जाएंगे आप वेटिंग में और दूसरे को मौका देंगे, वेटिंग में नहीं आएंगे बल्कि आपको तो कोई रिक्वेस्ट नहीं करना है। तो अगर हमारा प्रीएम्प्टिव होगा तो यहाँ से ये रनिंग में जाएगा और इसका टाइम जैसा ही एक्सपायर होगा 5 मिनट तो फिर कहाँ से चल जाएगा रेडी में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका। अगर ये भी एरो दोनों एरो होता है तो हमारा क्या हो गया प्रीएम्प्टिव, और ये सिंगल एरो हो गया अगर आपका तो हो जाएगा नॉन प्रीएम्प्टिव। तो इसमें जो है ना इनपुट, हाँ किसी को पूछना है कुछ? राणा कुमार हाँ तो बोल रहे हैं सर, हाँ प्रीएम्प्टिव को फिर से एक बार सर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे है हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव जिसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन फिर भी अभी से देखते जाएंगे। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब हो गया ये कि जैसे कि ये हमारा हो गया मेमोरी, और मेमोरी में हमारा P1 P2 P3 P4 फोर प्रोसेस है, और ये हमारा हो गया आपका सीपीयू जहाँ पे एक्सक्यूशन करेगा एक्सक्यूशन। तो ये हमारा जो है ना P1 जो है ना यहाँ से आ गया एक्सक्यूट करने के लिए, सीपीयू एक्सक्यूट कर रहा है। तो जब तक इसका एक्सक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा ये सीपीयू को नहीं छोड़ सकता है, रिलीज नहीं करेगा, कभी नहीं कर सकता जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव,
कि उसका काम कंप्लीट होगा तबे वो P2 को ऑप्शन देगा आप आइए, अदरवाइज वो नहीं छोड़ेगा। जब तक उसका काम कंप्लीट ना होगा वो CPU को रिलीज नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा। अगर हम बात करते हैं प्रीएम्प्टिव की, तो प्रीएम्प्टिव में क्या होता है कि आपका P1 आया यहाँ पे एक्सक्यूशन कर रहा है, तो इसमें टाइम जो है ना फिक्स कर देता है। जैसे कि इसको 5 मिनट हम दे दिया टाइम क्वांटम, इसको बोलता है टाइम क्वांटम 5 मिनट, तो P1 5 मिनट एक्सक्यूट करेगा। अगर उसका एक्सक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर से जो है ना ये आकर के क्यू में लग जाएगा और P2 को मौका दे देगा। P2 फिर 5 मिनट ही एक्सक्यूट करेगा। अगर कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट हुआ तो फिर से ये भी क्या हो रहा है इसके पीछे क्यू में आकर के लग जाएगा और फिर ये P3 को मौका देगा और P3 एक्सक्यूट करेगा। इसका कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो ये भी क्या हो जाएगा क्यू में लग जाएगा फिर से दोबारा एक्सक्यूट करने के लिए। इसमें हर किसी को मौका मिलता है एक्सक्यूशन करने के लिए, ये नहीं कि एक आदमी चला गया तो बस वही रहेगा, दूसरा कोई उसमें नहीं जा सकता। अंतर समझ में आया? तो सर इसका टाइम लिमिट रहता है? सर टाइम लिमिट बोलते हैं, टाइम लिमिट होता है तब तक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा। टाइम लिमिट होता है इसमें? यस सर। हाँ तो उसी के हिसाब से वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है और ये बहुत फास्ट करता है। हम लोग का मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, अभी यही होता है स्विचिंग होता है, इतना फास्ट स्विचिंग होता है नैनो सेकंड में कि हम लोग को पता नहीं चलता। अगर हम लोग 4 प्रोसेसिंग अगर ओपन कर दिए, जैसे एमएस ऑफिस ओपन कर दिए, वेब ब्राउजर ओपन कर दिए, MP3 ओपन कर दिए, फोटोशॉप ओपन कर दिए, तो वो सभी प्रोसेस के बीच में स्विचिंग करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और सबको CPU प्रोवाइड करता है। इसलिए हम लोग को लगता है ना कि सारा प्रोसेसिंग एक ही बार हो रहा है, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज नॉट ट्रू। एक सिंगल CPU है तो सिंगल प्रोसेस को ही एक समय में कर सकता है, दो को नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग को लगता है कि सारे काम एक ही साथ हो रहा है वो स्विचिंग की सहायता से। कैसे हो रहा आगे हम लोग देखेंगे। और देखो ये हो गया इसका ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में कह रहा है कि प्रोसेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किसी भी स्टेट में हो सकता है, वो न्यू में हो सकता है या रेडी में हो सकता है या रनिंग में हो सकता है, वेटिंग में हो सकता है या फिर टर्मिनेटेड यानी कंप्लीटेड में हो सकता है। तो ये 5 स्टेट है। इसमें जो है ना हमारा न्यू जो है ना इसको बोलते हैं द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। यहाँ से न्यू से जो है ना प्रोसेस क्या होता है क्रिएट होता है और आता है कहाँ पे रेडी में। रेडी में आके वो क्यू में लगा हुआ है CPU के लिए। अब यहाँ पे रेडी में जब आ गया तो रेडी को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड ए प्रोसेसर, यानी कि रेडी में वो वेट कर रहा है कि हमको प्रोसेसर अब मिलेगा। जैसे ही प्रोसेसर मिलता है जाता है रनिंग स्टेट में और रनिंग में क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एक्सक्यूटेड, वहां पे प्रोग्राम हमारा एक्सक्यूट करता है। अगर एक्सक्यूशन में कोई आयो रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे देखो वेटिंग में क्या कहा जा रहा है कि द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर। अगर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट अगर कुछ होता है तो कहाँ चला जाएगा, वेटिंग में, और वेटिंग में जाके वेट करेगा अपने रिक्वेस्ट को कंप्लीट होने के लिए। अगर ये कंप्लीट होता है तो जाएगा कहाँ पे, रेडी में, और फिर आएगा आपके रनिंग स्टेट में और यहाँ से कहाँ जाएगा एग्जिट कर जाएगा यानी कि टर्मिनेट कर जाएगा। तो टर्मिनेट का मीनिंग हो गया द प्रोसेस हैज फिनिश एक्सक्यूशन, अपना एक्सक्यूशन क्या हो गया कंप्लीट कर लिया। तो ये 5 स्टेट है, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। यही ट्रांजिशन स्टेट जो है ना पूछा जाता है कि डिफाइन द डिफरेंट प्रोसेस स्टेट या डिफरेंट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ ए प्रोसेस। ये 2 क्वेश्चन हम लोग देखे, पहला देखे प्रोसेस क्या होता है और सेकंड इसका ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है और कौन कौन से इसमें स्टेट होते हैं। तो ये हमारा ट्रांजिशन डायग्राम हो गया और इसके यहाँ पे ये स्टेट्स हो गए, 5 स्टेट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है PCB क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। तो ये जो है आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, जो आपका फिगर दिख रहा है ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, यानी कि प्रोसेस के जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारे होते हैं PCB में और इसी के द्वारा हम किसी प्रोसेस को पहचानते हैं कि वो मेमोरी में कहाँ पे है और किस प्रकार का प्रोसेस है और उसमें क्या सब इंस्ट्रक्शन है और उसे फिर कहाँ पे हम लोग को स्टोर करना है। टोटल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस इज स्टोर्ड इन PCB, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। बस इतना ही याद रखना, आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय PCB। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रत्येक प्रोसेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा।
और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को ही टास्क कंट्रोल ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि देयर इज ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक फॉर ईच प्रोसेस इनक्लोजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस, यानी कि ये जो है ना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है किसी भी प्रोसेस की, या कह सकते हैं प्रत्येक प्रोसेस का, जिसमें उस प्रोसेस का सारे इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड होता है। एग्जांपल में देख सकते हैं आप प्रोसेस आईडी, उस प्रोसेस का आईडी क्या है, जो यूनिक आईडी होता है। प्रोसेस किस स्टेट में है, न्यू में है, रेडी में है, रनिंग में है, वेटिंग में है, या कंप्लीट कर चुका है। प्रोसेस की प्रायोरिटी, वो कितनी उसकी प्रायोरिटी है, ज्यादा प्रायोरिटी है या कम प्रायोरिटी, क्योंकि प्रायोरिटी के बेसिस पे ही हमारा शेड्यूलर जो है ना किसी भी प्रोसेस को रेडी से रनिंग में भेजता है, सीपीयू एलोकेट करता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसके इंफॉर्मेशन क्या है अकाउंट से रिलेटेड, उसको यहाँ पे रखता है। प्रोग्राम काउंटर इसमें है कि किस प्रोसेस को आगे एक्सक्यूट करना है। प्रोग्राम काउंटर का मतलब होता है कि आगे किस प्रोसेस को जस्ट एक्सक्यूट करना है, उसका जो है ना एड्रेस इसके पास रहता है। सीपीयू रजिस्टर इसमें है और पीसीबी पॉइंटर है। तो ये आपका जो है ना डायग्राम हो जाएगा, जब पूछा जाएगा तो ये डायग्राम जो है ना याद रखेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ। और सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के माध्यम से ही किसी प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये हो गया ऑल अबाउट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। नेक्स्ट हम लोग का है व्हाट इज शेड्यूलर। इसमें हम लोग को पढ़ना है शेड्यूलर, शेड्यूलिंग और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो इस पे ध्यान रखना है कि शेड्यूलर क्या होता है, शेड्यूलिंग क्या होता है और शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तीनों में अलग अलग डिफरेंस है। हम ये लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं शेड्यूलर, और शेड्यूलर का मतलब हो गया एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर है जो किसी भी प्रोसेस के अलग अलग स्टेट्स को हैंडल करता है। ये करता क्या है कि किस प्रोसेस को क्रिएट करना है, किस प्रोसेस को रनिंग में भेजना है रेडी क्यू से, और किस प्रोसेस को आपको रनिंग से वेटिंग में डालना है, आप किस प्रोसेस को वेटिंग से फिर से रेडी में डालना है। तो ये सारा हैंडल जो है ना शेड्यूलर के द्वारा किया जाता है। अभी हम लोग देखे स्टेट्स, ये स्टेट्स, तो यहाँ से ये जो है ना न्यू से आपका रेडी में आया, तो ये कौन किया, शेड्यूलर। रेडी से जो है ना रनिंग में भेजे, ये कौन किया, शेड्यूलर। रनिंग से वेटिंग में भेजे और फिर वेटिंग से रेडी में भेजे, ये कौन करता है, शेड्यूलर। तो ये सारे हैंडल जो होता है, हैंडलिंग होता है, वो सारे शेड्यूलर पे होता है। और शेड्यूलर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, क्लियर। तो इसमें लिखना क्या है कि शेड्यूलर्स आर अ स्पेशल टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है विच हैंडल प्रोसेस शेड्यूलिंग इन वेरियस वे, जो प्रोसेस शेड्यूलिंग को जो है ना वेरियस यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हैंडल करता है। यहाँ पे कहा जा रहा है देयर मेन टास्क इज टू सेलेक्ट द जॉब टू बी सबमिटेड इनटू द सिस्टम एंड डिसाइड व्हिच प्रोसेस टू रन। इसका मेन टास्क क्या है कि प्रोग्राम को यानी कि प्रोसेस को सेलेक्ट करना है मेमोरी से, और ये डिसाइड करना है कि किस प्रोसेस को हम सीपीयू एलोकेट करें, रनिंग प्रोसेस रनिंग स्टेट में सेंड करें, किस प्रोसेस को हम जो है ना स्वेपिंग कर दें यानी कि रनिंग से वेटिंग में डाल दें, और किस प्रोसेस को वेटिंग से फिर से हम लोग जो है ना रेडी में डालें, और किस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, यानी कि टोटल वे जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है इसी शेड्यूलर के द्वारा, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और ये तीन तरीके से होता है और तीनों उसी में काम करता है, आपके ट्रांजिशन स्टेट्स में ही काम करता है। पांच को जो स्टेट्स है आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस का, उसी में ये तीनों शेड्यूलर काम करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनेंगे हम लोग आगे जस्ट देखेंगे। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट टर्म से यानी कि शॉर्ट, लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट है, तो सबसे छोटा यानी कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू शेड्यूलर के नाम से जानता है। ये ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। और मुख्य रूप से जो हम लोग पॉइंट देखे, शेड्यूलर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो वेरियस स्टेट्स को शेड्यूलिंग के माध्यम से हैंडल करता है, और ये डिसाइड करता है कि प्रोसेस किस प्रोसेस को किस स्टेट से
आगे सेंड करना है, डिसाइड करना करता है कि किस प्रोसेस को आपको सीपीयू एलोकेट करना है और किस प्रोसेस को नहीं करना है। तो सारा डिसीजन शेड्यूलर के द्वारा लिया जाता है। और ये तीन प्रकार का होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब इन तीनों में जो है ना बेसिक डिफरेंस देखते हैं, बेसिक डिफरेंस क्या। तो ये आपका हो गया डिफरेंस। डिफरेंस में देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर पहले हम लिए हैं, उसके बाद में है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। इसलिए इसके लिए है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको कहा जाए तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है। मीडियम टर्म जो है ना स्वीपिंग करता है, यानी कि वेटिंग वाले जो स्टेट्स देखता है वो मीडियम टर्म देखता है, जिसको हम लोग अभी देखते हैं। इसमें कह रहा है इट इज ए जॉब शेड्यूलर। क्या है लॉन्ग टर्म? क्या होता है जॉब शेड्यूलर होता है। क्या करता है ये? जॉब क्रिएट करता है, यानी कि न्यू प्रोसेस को क्रिएट करता है, मेन मेमोरी में सेंड करता है। सिंपल में कहें कि रेडी क्यू में जो भेजता है, न्यू से रेडी में भेजने का काम करता है हमारा जॉब शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसको हम डिटेल में और भी समझेंगे आगे, थोड़ा सा हमको ध्यान आ रहा जो, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले नाम ध्यान रखेंगे, जॉब शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म को सीपीयू शेड्यूलर के नाम से जाना जाता है और मीडियम टर्म शेड्यूलर को जो है ना स्वेपिंग शेड्यूलर के नाम से जानता है। ये करता है प्रोसेस को स्वेप करता है। कैसे स्वेप करता है वो देख लीजिए। ये आपका जो है ना, ये आपका है, देखिए यहाँ से न्यू से जो रेडी में भेजता है यही होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो न्यू से रेडी में भेजने का काम हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है, ठीक है। अब यहां से जो है ना रेडी से रनिंग में भेजने का काम हमारा शॉर्ट टर्म यानी कि सीपीयू शेड्यूलर करता है, सीपीयू शेड्यूलर करता है। ये सीपीयू एलोकेट करता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है सीपीयू शेड्यूलर, या इसको बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और यहाँ से रनिंग से जो है ना वेटिंग में स्वेप करता है कौन हमारा? मीडियम टर्म शेड्यूलर, या फिर कह सकते हैं वेटिंग से फिर रेडी में, ये दोनों काम जो कौन करता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर। क्लियर हो गया? यही काम हमारा शेड्यूलर का, यानी कि क्रिएट करेगा लॉन्ग टर्म, सीपीयू एलोकेट करेगा शॉर्ट टर्म और स्वेपिंग कर देगा हमारा मीडियम टर्म। तो वही कहा जा रहा है जॉब शेड्यूलर, सीपीयू शेड्यूलर एंड स्वेपिंग शेड्यूलर। कहा जा रहा है यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में, स्पीड इज लेसर देन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, यानी कि लॉन्ग का स्पीड कम होता है शॉर्ट से। स्पीड इज फास्टेस्ट अमंग अदर टू, यानी कि सबसे फास्ट कहा जाए तो छोटा वाला होता है, यानी शॉर्ट टर्म जिसको बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलर, ये सबसे फास्ट होता है, और लॉन्ग टर्म उसपे उससे स्लो होता है। तो मीडियम टर्म क्या होता है? तो स्पीड इज इन बिटवीन बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, यानी कि मीडियम का स्पीड भी मीडियम है, शॉर्ट का स्पीड सबसे ज्यादा है और लॉन्ग का स्पीड सबसे कम है। थर्ड पॉइंट है कि इट कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, वीपीआई इसको मार लेंगे, वीपीआई ऑब्जेक्टिव के लिए। इट कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब ये हम लोग समझेंगे कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है और इसको ये कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठा जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलर कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है वो देखते हैं। देखिए ये हमारा हो गया न्यू स्टेट और ये हो गया आपका रेडी स्टेट। तो करता क्या है ये, यहाँ से ये जो है ना आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, तो ये यहाँ से जॉब को क्रिएट करता है, यानी कि प्रोसेस को क्रिएट करता है। तो प्रोसेस को क्रिएट करता है, यहाँ पे P1 आ गया, P2 आ गया, P3 हो गया, P4 हो गया, P5 हो गया, इस तरह से जो है ना प्रोसेस को फटाफट फटाफट बहुत फास्ट ही क्रिएट कर रहा है और रेडी क्यू में डालते जा रहा है, ठीक है ना। अब इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि ज्यादा प्रोसेस इसमें आएगा रेडी में तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ गया, अगर प्रोसेस कम रहेगा तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग घट गया। मल्टी प्रोग्रामिंग का डिग्री, प्रोग्राम अगर हमारे रेडी में प्रोसेस ज्यादा है, मोर प्रोसेस है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ गया। अगर हमारे रेडी क्यू में अगर कम है तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग घट गया। तो अब देख रहे हैं क्रिएट कौन कर रहा है हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, इसका मतलब कंट्रोलिंग तो यही करेगा ना। अगर आपको डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाना है तो ज्यादा क्रिएट करेगा,
घटाना है तो कम क्रिएट करेगा, इसका मतलब इसका कंट्रोलिंग किस पे डिपेंड करता है आपके लॉन्ग टर्म शेड्यूलर पे। तो यही पॉइंट जो है ना बताया जा रहा है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है, क्योंकि प्रोसेस क्रिएट करना इसी का काम होता है। उम्मीद है कि आप लोग को डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग समझ में आ गया होगा। शॉर्ट टर्म शेड्यूल क्या करता है, इट प्रोवाइड्स लेसर कंट्रोल ओवर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इसका कंट्रोल बहुत कम होता है, लेकिन थोड़ा सा होता है। कैसे होता है, देखिए अब यहां से आपका जो है रेडी से रनिंग में भेजने का काम किसका होता है, आपका सीपीयू शेड्यूल यानी कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। तो ये भी क्या करेगा, फास्ट जो है ना प्रोसेस को रेडी रनिंग में भेजना शुरू कर देगा, रनिंग में बहुत फास्ट भेजना शुरू करेगा। तो क्रिएट तो मेन कर रहा है हमारा लॉन्ग टर्म, यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलर बहुत कम इसको कंट्रोल कर पाता है, नहीं के बराबर, ठीक है। और आपका जो है ना मिडिल पर इट रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अगर घटाना है तो हमारा काम कौन करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर। इस पॉइंट को भी आप वीवीआई नोट कर लेंगे। इसमें तीन चीज मिल रहा, दो चीज इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कंट्रोल कौन करेगा, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस कौन करेगा, तो मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये कैसे रिड्यूस करता है, तो देखिए ऐसे रिड्यूस करता है। यहाँ पे आपका है वेटिंग स्टेट, तो ये क्या करता है कि बहुत फास्ट जैसे ही रिक्वेस्ट होता है फास्ट तरीके से जो है इसको स्वेपिंग कर देता है, और स्वेपिंग करके यहाँ पे कंप्लीशन करता है स्लो, यानी कि प्रोसेस कहाँ पे हमारा P1 P2 P3 को सबको जो है ना वेट करवा रहा है, सबको वेट करवा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करता है, घटाता है, और ये कंट्रोल करता है हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, कंट्रोल करता है और मीडियम टर्म शेड्यूलर रिड्यूस करता है। तो इस पे ध्यान रखेंगे, रिड्यूस पूछा जा रहा है या कंट्रोल पूछा जा रहा है, कंट्रोल पूछा जाएगा तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, और अगर रिड्यूसिंग पूछा जाएगा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग तो कहा जाएगा मीडियम टर्म शेड्यूलर। एंड लास्ट पॉइंट है, इट सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम पुल एंड लोड्स देम इनटू मेमोरी फॉर एक्सक्यूशन। ये करता है कि प्रोसेस को सेलेक्ट करता है और मेमोरी में लोड करता है एक्सक्यूशन के लिए। यही काम कर वही बता रहे हैं यहाँ पे। ये करता है कि यहाँ से प्रोसेस को जाना पुल करके और लोड करता है रेडी क्यू में, यानी कि न्यू स्टेट से रेडी क्यू में प्रोसेस को सिलेक्ट करके लोड करता है रेडी क्यू में फॉर एक्सक्यूशन, एक्सक्यूशन के लिए डाल देता है। और आपका जो है ना जो सीपीयू शेड्यूलर है, इट सिलेक्ट्स दोज प्रोसेस व्हिच आर रेडी टू एक्सक्यूट। उस प्रोसेस को सिलेक्ट करता है जो रेडी है एक्सक्यूशन के लिए। तो कौन रेडी है, जो प्रोसेस हमारे रेडी क्यू में है वही रेडी है एक्सक्यूशन के लिए, यानी कि सीपीयू पे आने के लिए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है रनिंग, तो यही हो गया हमारा एक्सक्यूशन के लिए। तो ये करता है सीपीयू शेड्यूलर जो है ना हमारे रेडी से सिलेक्ट करके रनिंग में डाल देता है। एंड लास्ट जो है ना, इट कैन री इंट्रोड्यूस द प्रोसेस इनटू मेमोरी एंड एक्सक्यूशन कैन बी कंटिन्यूड। कहता है कि मेमोरी से इसको फिर से री इंट्रोड्यूस करवाता है। तो करता क्या है ये कि ये जो है ना यहाँ से स्वेपिंग करके वेटिंग में डालता है और वेटिंग से फिर से इसको रेडिंग में रेडी में डाल देता है जब उसका आयो रिक्वेस्ट कंप्लीट होता है। तो और फिर यहाँ से आपका रनिंग में आया और यहाँ से क्या हो गया आपका कंप्लीटेड स्टेट में चला गया। तो यही जो है ना 5 स्टेट्स है जो हमारा शेड्यूलर के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। ये जो है ना हमारा 4 क्वेश्चंस आज का जो है ना हो गया, हम आज इतना ही क्वेश्चन रखे हैं टाइम के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन हो गया आपका पहला, प्रोसेस से प्रोसेस क्या होता है, इसका ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, और फिर सबका सीपीयू शेड्यूलर क्या है और डिफरेंट टाइप का शेड्यूलर क्या है। तो तीनों में हम लोग डिफरेंट देख लिए, डिफरेंस क्या है तो उससे हमारा डेफिनेशन ये बन जाएगा और आराम से हम लोग इसका एग्जाम प्रश्न भी लिख पाएंगे। इन चारों क्वेश्चन में किसी को डाउट है कोई कहीं पे तो बोलो। इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट मीन्स बाधा रुकावट, आवाज कट रहा है नेट की वजह से। हाँ, इंटरप्ट क्या होता है वो बता देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि कई बार बताया है इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा, लेकिन बाधा कैसे आता है। तो जैसे कि हम लोग YouTube वीडियो अभी मतलब कि देख रहे हैं मोबाइल में YouTube वीडियो देख रहे हैं और उस समय किसी फ्रेंड का कॉल आ गया तो YouTube वीडियो पॉज हो गया, तो वही हो गया हमारा इंटरप्ट, यानी कि जो प्रोसेसिंग हो रहा था वो पॉज हो गया
और हमारा जो है ना दूसरा प्रोसेस जो है ना एक्सक्यूट करना शुरू हो गया था, हमारा कॉल आने लगता है, अब वीडियो पॉज हो गया, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट, वहां पे प्रोसेस इंटरप्ट हो गया। ठीक है, ये चार क्वेश्चन आप लोग जो है ना नोट्स बना लेंगे और कल के क्लास में जो है ना आगे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। चारों का नोट्स हम भेज देते हैं आपके ग्रुप में। और जो हाँ किसी कुछ बोलना है सर? सर कल बता रहे थे ना सर, लैपटॉप में कैसे करेंगे एंड्रॉइड सिस्टम एप्लीकेशन को रन। फिर से टाइम खत्म हो गया यार, टाइम जो है ना फिर से खत्म हो गया, क्या करें।